गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, चलो अच्छा है। आज अपन बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर फिजिक्स की कितनी बुक होती है? 3 बुक होती है। और कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है थर्मोडाइनेमिक्स, और सेकेंड होती है मैथमेटिकल फिजिक्स, और थर्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की। चलो बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मतलब पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की ही अपन बात करेंगे। तो जैसे कि अपन ने माना अपने पास ये कोई क्या है, तार है, ठीक है। अब इस तार को और इस तार के ऊपर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। अपन ने क्या लिया, मान लीजिए ये कोई तार है और इस तार के ऊपर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इस तार को अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया, क्या कर दिया, इस तार को अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। अब इस बैटरी से जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्रवाहित हो गए। प्रवाहित होंगे तो ये कौन सी दिशा में जाएंगे, इस दिशा में। क्या बोला मैंने, सबसे पहले माना अपन ने कोई वायर लिया और इस तार को अपन ने किसी बैटरी से जोड़ा, और इस तार के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब अपन ने इस बैटरी से जोड़ा इस तार को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से यहाँ पे क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अवरोध मतलब होता है, अवरोध को अपन एक दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध के कारण यहाँ पे धारा उत्पन्न होगी। अब धारा के साथ साथ यहाँ पे अपन आई और क्या होगा, वी होगा। अपने पास क्या होगा, आई और वी। तो कहने का मतलब मैंने क्या बोला कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन, धारा और वोल्टेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, धारा, वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। चलो अब अपन इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। अब आगे ये आपके बहुत काम आने वाला है, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ पाओगे। चलो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध क्या होता है। बात करते हैं किसकी, प्रतिरोध की। यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य प्रतिरोध किसको बोलेंगे, यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर, कलांतर किसको बोलते हैं, फाई को बोलते हैं। यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर फाई 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और प्रतिरोध को अपन किससे डिनोट करते हैं, हमेशा प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी कि लिखते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम। चलो जी, अपन ने क्या बात की कि प्रतिरोध किसको कहते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर 0 डिग्री होता है। और प्रतिरोध को अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब अपन बात करते हैं प्रतिघात की। सेकेंड अपन किसकी बात करते हैं, प्रतिघात।
यहां धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है? प्लस माइनस 90 डिग्री होता है। ठीक है, किसकी बात की अपन ने? प्रतिघात की। प्रतिघात किसको बोलेंगे? यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर फाई प्लस माइनस 90 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रतिघात अपने पास कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ। कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार पॉजिटिव में वैल्यू आएगी और एक बार किस में आएगी? नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो जी, अब प्रतिघात, जो दो प्रकार के प्रतिघात है, अपन उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर प्रतिघात आता है प्रेणिक प्रतिघात। ठीक है, सब अपन ने किसकी बात की? एक तो प्रतिरोध की बात की और एक प्रतिघात की बात की। प्रतिरोध किसको बोलेंगे? यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर फाई कितना होता है? 0 डिग्री होता है। सबसे पहले इन दोनों के बीच आप ये बात याद रख लेना कि प्रतिरोध के बीच, प्रतिरोध में तो आई और वी के बीच कलांतर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और प्रतिघात के अंदर कितना होता है? प्लस माइनस 90 डिग्री होता है। तो अब अपन बात करते हैं प्रेणिक प्रतिघात की। अब प्रेणिक प्रतिघात की बात कर रहे हैं तो यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर कितना हो जाएगा? प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ आई और वी के बीच कलांतर कितना हो जाएगा? प्लस 90 हो जाएगा। प्रेणिक प्रतिघात को अपन किससे डिनोट करते हैं? एक्स एल से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स एल से प्रेणिक प्रतिघात को अपन लिखते हैं। चलो जी, अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम यहाँ पे एक्सएल क्या होता है, यही पूछोगे कि यहाँ पे एक्सएल क्या होता है। तो चलो अपन एक्सएल की बात करते हैं। आपने 10th क्लास में ट्रांसफार्मर की कुछ क्रियाविधि पढ़ी होगी, वहाँ पे आपने कुछ कुंडली वगैरह पढ़ा होगा। तो चलो अपन बात करते हैं एक बार कि एक्सएल क्या होता है। देखो जी, ये अपन ने कोई क्या ली? कुंडली ली। ठीक है, ये अपन ने कोई कुंडली ली और इसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया? एल से। एल यहाँ पे क्या होता है? अपना स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, चलो जी, एल यहाँ पे क्या होता है? अपना स्वप्रेरण गुणांक। अब एल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एल ओमेगा। कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, एल को अपन ऐसे लिखेंगे, एक्स एल इक्वल एल ओमेगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे क्या है? ओमेगा यहाँ पे क्या है? कोणीय आवृत्ति। क्या है यहाँ पे? कोणीय आवृत्ति। अब ओमेगा का एक रूप और होता है जिससे कि अपन इसको लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू पाई एफ। ठीक है, देखो अपन ने बात किसकी की थी? एक्सएल की थी कि एक्सएल क्या होता। अब एक्सएल कहाँ से आएगा? एल से आएगा। एल आपने कहीं किसी छोटी किताब, छोटी क्लास की बुकों में पढ़ा होगा कि ऐसे अपन जब कोई कुंडली लेते हैं तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। एल से डिनोट करते हैं तो इस एल को अपन एक्सएल के रूप में लिख सकते हैं। एक्सएल इक्वल क्या होता है? एल ओमेगा होता है। अब ओमेगा की, ओमेगा को एक रूप से और भी लिख सकते हैं, टू पाई एफ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ओमेगा क्या होता है। ओमेगा मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे ओमेगा क्या होता है? कोणीय आवृत्ति होती है। अब यहाँ पे ये जो अपना एफ है,
इस F को अपन किससे लिखेंगे? F यहाँ पे क्या है? रेखीय आवृत्ति। F यहाँ पे क्या है अपने पास? रेखीय आवृत्ति, ठीक है। चलो, ये अपन ने बात की फर्स्ट प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात की। अब अपन सेकंड बात करते हैं इसी के अंदर। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रतिघात। प्रतिघात कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार में से एक प्रकार कौन सा होता है? प्रेरणिक प्रतिघात। और एक कौन सा होता है? धारतीय प्रतिघात। तो अपन सेकंड की बात करते हैं कि धारतीय प्रतिघात क्या होता है। अब वही बात है, अपन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, आई यानी कि धारा, वी यानी कि वोल्टेज, इन सब की अपन बात करेंगे। तो अपन ने दो टॉपिक अभी तक पढ़े थे, इसके अंदर अपन अभी तक आई और वी की ही बात कर रहे हैं। और प्रतिघात के अंदर मैंने कोई दो टॉपिक बताए थे, अब ये सेकेंड वाला है। तो धारतीय प्रतिघात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे धारा व वोल्टता के मध्य, किसके मध्य धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होगा? -90 डिग्री होगा। कितना होगा? -90 डिग्री होगा। चलो जी, यहाँ धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होगा? -90 डिग्री, ओके। अब धारतीय प्रतिघात को अपन किससे डिनोट करते हैं? एक्स सी से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स सी से। अब आप लोग बोलेंगे कि ये एक्स सी क्या है? जैसे अपन ने एक्स एल की बात की थी, वैसे ही अपन किसकी बात करेंगे? एक्स सी की। पर एक्स एल की बात की थी तब अपन ने कुंडली ली थी, अब अपन एक्स सी की बात कर रहे हैं तो अपन क्या लेंगे? संधारित्र। तो मानो ये मैंने कोई यहाँ पे क्या लिया? संधारित्र लिया। इसको मैंने क्या बोल दिया? सी बोल दिया। सी यहाँ पे क्या है? धारिता। सी यहाँ पे क्या है? धारिता है। चलो जी, धारिता को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सी इक्वल 1/C ओमेगा। वही ऊपर वाली बात, ओमेगा यहाँ पे क्या है? अपना कोणीय आवृत्ति। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2πf। देखो, मैंने अभी तक आपको क्या बताई? चार चीज़ बताई। सबसे पहले मैंने बताया कि प्रतिरोध क्या होता है, और उसके बाद मैंने बात की कि प्रतिघात क्या होता है। तो देखो, प्रतिरोध और प्रतिघात के अंदर अपने को बस दो बात याद रखनी है कि प्रतिरोध का कलांतर होता है, प्रतिरोध का कलांतर होता है 0 डिग्री, और धारतीय प्रतिघात का कलांतर कितना होता है? +/-90 डिग्री। और ये अपन ने प्रेरणिक और धारतीय प्रतिघात की बात की, इन दोनों के अंदर ये जो अपन ने फॉर्मूलेज लिखे हैं, क्या लिखा है? फॉर्मूला लिखे हैं, वो आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको अपन ये फॉर्मूले लगा के सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो जी, अब अपन बात करेंगे कि ये आखिर काम कैसे आते हैं, क्या काम आते हैं ये एक्स सी और एक्स एल जो अपन ने पीछे पढ़ा था कि वो काम कैसे आते हैं। चलो, आ जाओ बोर्ड पे। प्रतिघात धारा के लिए व्यवहार, अपन बात करेंगे प्रतिघात का धारा के लिए व्यवहार। चलो, अपन ने ये तो बात कर ली कि धारा की बात कर रहे हैं, अब जरा मेरे को ये भी बताओ कि धारा कितने प्रकार की होती है। चलो मैं बताती हूँ, धारा होती है दो प्रकार की, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसका समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो, वो क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा? किसको कहते हैं? ऐसी धारा जिसके लिए समय और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा किसको बोलेंगे? ऐसी धारा जिसमें समय के साथ
परिमाण नियत हो और दिशा परिवर्तित ना हो, किसको बोलेंगे? ऐसी धारा जिसमें समय के साथ परिमाण तो क्या हो, नियत हो और दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। अब देखो बात किसकी करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की। और दूसरी बात किसकी करते हैं, दिष्ट धारा की। चलो जी, अब प्रत्यावर्ती धारा को अपन किससे डिनोट करते हैं, एसी से डिनोट करते हैं, करते हैं। और दिष्ट धारा को किससे डिनोट करते हैं, डीसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डीसी से डिनोट करते हैं। चलो जी, अब मुझे ये बताओ कि ये जो एसी ली है अपन ने, प्रत्यावर्ती धारा, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो फ्रिक्वेंसी इसकी होती है 50 हर्ट्ज़। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। और दिष्ट धारा की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज़। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर एफ फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ क्या पूरी दुनिया में होती है? नहीं, पूरी दुनिया में नहीं होती है, अपने ओनली अपने इंडिया में ही एसी की यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। जैसे कि रूस, अमेरिका, इन सब के अंदर यानी कि विदेशों में यानी कि बाहर इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 60 हर्ट्ज़ होती है। और इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। जैसे कि अपने को कोई क्वेश्चन दे दिया तो ये बोला वहाँ पे अगर अपने को फ्रिक्वेंसी दे नहीं रखी है तो अपन वहाँ पे 50 हर्ट्ज़ यूज़ करेंगे, और अगर दे रखी है, नहीं दे रखी है तो अपन जो दे रखी है वो वाली यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, अपन ने बात की प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। चलो जी, याद रखना एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है, और डीसी के अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज़। इससे पहले मैंने बात की थी कि अपन किसकी बात करेंगे, एक्स एल और एक्स सी। अब ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों जो वैल्यू है वो किसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर रख के अपन इन दोनों का वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी एक्सएल की। किसकी करते हैं, एक्सएल की। ये अपन ने क्या लिया, पीछे भी पढ़ा चुकी अपन ने कोई कुंडली ली जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एल से करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इक्वल एल ओमेगा होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन ने जो एसी और डीसी की फ्रिक्वेंसी ली है वो वाली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब एक चीज़ और भी देखो, एक्स एल इक्वल एल टू पाई एफ होता है कि नहीं होता है। चलो जी, अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एसी यूज करते हैं। तो एसी के लिए मैंने आपको फ्रिक्वेंसी कितनी बताई थी, यानी कि इसके अंदर प्रेणिक प्रतिघात के अंदर अपन पहले एसी करंट फ्लो करेंगे। तो एसी करंट फ्लो करेंगे तो एसी के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। अपने पास वैल्यू किसकी आई है, एफ की आई है। अब एफ की वैल्यू अपन क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स एल इक्वल एल टू पाई, और ये क्या हुआ, ठीक है। तो अपने पास एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई, 100 पाई एल, आई कि नहीं आई। चलो जी, अब इसी तरीके से अपन इसके अंदर किसकी वैल्यू करंट फ्लो करेंगे, डीसी का करंट भी फ्लो करेंगे। डीसी की फ्रिक्वेंसी आपको पता है कितनी होती है, चलो जी डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है अपने पास, सेकंड वाला टॉपिक देखना, डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज़। चलो इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो इसको, एक्स एल इक्वल एल टू पाई 0। तो अपने पास इस एक्स एल की वैल्यू क्या आ जाएगी,
जीरो। अब मुझे ये बताओ इन दोनों का रिजल्ट क्या निकला। देखो जी, एसी अपन ने करंट फ्लो की तब इसकी वैल्यू क्या आई, ज़्यादा आई, और इसकी वैल्यू क्या आई, कम आई। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात की थी कि अपन एक वायर लेते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और उस वायर को अपन एक बैटरी से जोड़ते हैं, वहाँ पे कुछ अवरोध का नाम आया होगा। किसका नाम आया होगा? अवरोध का नाम आया होगा। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? एसी की वैल्यू ज़्यादा है। अगर एसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि एसी का मान ज़्यादा है, तो अवरोध ज़्यादा होगा। क्या होगा? अवरोध ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे डीसी की वैल्यू कम है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा? अवरोध ना के बराबर होगा, या अवरोध होगा ही नहीं। तो ऐसे लिख दीजिए आप यहाँ पे, अवरोध उत्पन्न ही नहीं होगा। चलो, रिजल्ट क्या निकला अपने पास? रिजल्ट क्या निकला? एक्सएल के अंदर एसी प्रवाहित करते हैं तो उसका अवरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। और डीसी की करंट फ्लो करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आती है? कम होती है, यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती, या फिर अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही।